गाजियाबाद जिले में सिजेरियन के ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार आदर्श सिंह की पत्नी देवी प्रसव पीड़ा से ग्रस्त थी, जिसे लेकर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधक हेमंत कुमार ने आक्रोशित परिजनों को किसी तरह शांत कराया। अभी जो सूचना मिली है कि बेबी कुमारी नामक एक महिला का प्रसव होना था और सिजेरियन के लिए वो ओटी में ले जाया जा रहा था और ओटी के अंदर 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, चाहे जिस कारण से हो, जिसकी लापरवाही से हो, यह मौत बहुत दुखद है और सरकार की लापरवाही साफ रूप से झलकती है। सदर अस्पताल में लोग जीने के लिए आता है, मरने के लिए नहीं। अगर यहाँ भी अगर मौत मिलेगी तो फिर कहाँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता मंटू हैं। मंटू, ये आरोप लग रहा है चिकित्सकों पर कि लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई है, चिकित्सक अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई है। ये घटना औरंगाबाद सदर अस्पताल का है, जहां महिला गर्भवती थी, जिसे इलाज कराने के लिए औरंगाबाद आई थी, जिसके कारण उसका जहां चिकित्सकों ने उसको बोला कि ऑपरेशन करने पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान जब महिला को जब ऑपरेशन में ले गया गया तो महिला का ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सक पर आरोप लगा है, वहां के प्रशासन पर आरोप, प्रबंधक पर आरोप लगा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, यह जानकारी चाह रहे हैं आपसे? प्रशासन से इसके जब चिकित्सक से बात जब किए गए तो किसी ने साफ तौर में कह दिया कि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और जहां तक फिर आनंद फनन में फिर आस पास में जो वहाँ जो चिकित्सक और लोग थे उनसे भी बात की, इस पर कुछ कहने के लिए पीछे हट रहे थे। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मंटू। तो आपको बता दें कि प्रसव पीड़ा के दौरान, ऑपरेशन के दौरान एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा।